फोर का डिवाइड लेंगे फाइव में, वन टाइम और रिमाइंडर इज वन, तो क्या करेंगे जीरो लगाएंगे, फिर जीरो टू टाइम एट और फिर ये जाएगा टू, तो ये आएगा फिर जीरो लगाएंगे फाइव टाइम, तो इसका वैल्यू वन टू फाइव। तो क्या ये टर्मिनेट हो गया, जब भी किसी का रिमाइंडर अगर जीरो बचे तो वो टर्मिनेट हो जाता है, अगर किसी संख्या का रिमाइंडर जीरो नहीं बचे जस्ट लाइक टेन अपॉन थ्री, थ्री का अपन टेन में डिवाइड देंगे तो थ्री बार कितना है थ्री टाइम, तो बचेगा वन, फिर पॉइंट लगाएंगे जीरो, फिर देगा थ्री, फिर नाइन, फिर वन, फिर थ्री, तो ये इसी तरीके से चलता रहेगा। ये नॉन टर्मिनेट टर्मिनेट नहीं हो रहा है, मतलब कि जो सिर्फ टर्मिनेट हो जाए वो टर्मिनेट हो जाता है, जो चलता ही चला जाए उसे कहते हैं नॉन टर्मिनेट। तो इसी तरीके से कंडीशन को अप्लाई करेंगे। एक और कंडीशन होती है अगर संख्या का डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर किस रूप में हो, या टू की पावर एन में हो, या फाइव की पावर एन में हो, या टू एन या फाइव एन दोनों में हो, अगर इन फॉर्म में होगा तो वह डिजिट क्या होगी टर्मिनेट हो जाएगी, मतलब कि शांत हो जाएगी टर्मिनेट हो जाएगी। तो अपन फर्स्ट इसमें फॉलो करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में और देखेंगे क्या ये टर्मिनेट है या नहीं। तो सबसे पहले ये डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर कर लेंगे 3 1 2 5, तो 5 से डिवाइड देंगे तो कितने टाइम आएगा 6 टाइम, तो बचेगा 2 और ये बचेगा 5, फिर जाएंगे 5 से डिवाइड, फिर 5 से देंगे डिवाइड तो जाएगा 25 टाइम, फिर 5 से देंगे डिवाइड तो जाएगा 5 टाइम, फिर 5 से देंगे डिवाइड तो जाएगा 1 टाइम। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 13 अपॉन 5 की पावर 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5, तो ये क्या है इसका डिनोमिनेटर, जिसका डिनोमिनेटर है किस फॉर्म में है n की पावर n में है, ठीक है, तो ये क्या होगा ये टर्मिनेट होगा, ये क्वेश्चन क्या होगा टर्मिनेट होगा। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 17/8, इसको अपन ट्राई करेंगे। तो क्या करेंगे सबसे पहले डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को क्या लिख सकते हैं अपन, इसको 2 की पावर 3 में लिख सकते हैं, तो जो इसका डिनोमिनेटर किस फॉर्म में है 2 की पावर n में, तो ये क्या होगा टर्मिनेट। ओके स्टूडेंट, तो इसी तरीके से अपन फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आएगा अपन के पास 129 अपॉन 2 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 3 इस फॉर्म में। तो जब भी देखेंगे अपन क्या इसका डिनोमिनेटर 2 की पावर है, 5 की पावर, लेकिन ये 7 की पावर में आएगा, तो क्या है ये नॉन टर्मिनेट होगा। ये कौन सा क्वेश्चन होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि अपन को जो डिनोमिनेटर सिर्फ 2 और 5 की पावर में चाहिए, यहाँ पे 7 आ गया तो क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो सेम क्वेश्चन इसी तरीके से करना है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना फिफ्थ क्वेश्चन, कह रहा है 29/343, क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग, सबसे पहले से चेक करेंगे। तो इसका क्या चेक करेंगे डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर किसके फैक्टर करेंगे 343, इसलिए जाएगा 7 से कितने टाइम, 7 से जाएगा 4 टाइम और जैसे रिमाइंडर बचेगा 6, तो 6 से जाएगा 9 टाइम, फिर जाएगा 7 से, 7 से कितने टाइम आएगा 7 से, फिर 7 से जाएगा 1 टाइम, इसको क्या लिखेंगे 29/7 की पावर 3। तो इसका जो डिनोमिनेटर है किस फॉर्म में आया 7 की फॉर्म में, लेकिन अपन को क्या चाहिए 2 की फॉर्म होना चाहिए या 5 की फॉर्म होना चाहिए, 2 और 5 की होना चाहिए, तो ये 7 की, क्या है नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसी तरीके से स्टूडेंट सब क्वेश्चन करना है। ओके, जो दिक्कत आए तो आप पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट।